हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम कौन सी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं आपके एसएससी जी 2024 की, जिसका जो नोटिफिकेशंस आउट होना था वो आपका मार्च मंथ में आउट होना था, बट मार्च मंथ में भी वो आपका नोटिफिकेशंस आउट नहीं हो पाया डियर। अब तक अगर यहाँ पे सोचे कि जो सर हमारा एग्जाम कैलेंडर ईयर निकला था, जिसमें हमारा जो एसएससी जी का जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो सर 4, 5, 6 जून को कंडक्ट होना था, बट जो नोटिफिकेशन था वो अब तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ। क्या सर वो एग्जाम है क्या आपका एसएससी जेई का जो 4, 5, 6 को होना था, क्या सर वो एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा? तो ये एग्जाम आपका पोस्टपोन तो होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की साइट पे जाओगे, जहाँ पे आपको कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगा, जो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने एक एग्जाम की डेट को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। जो एग्जाम कंडक्ट होना था आपका 26/5/2024 को, उसको शिफ्ट कर दिया गया एक मंथ आगे, यानी कि 16/6/2024, यानी कि आपका जो एग्जाम डिले हुआ है वो आपका एक मंथ का डिले हुआ है। तो ऐसे में आपका सवाल होना चाहिए, क्या सर एसएससी जेई का एग्जाम भी डिले होगा? बिल्कुल डिले होगा, क्योंकि अभी तो आपका नोटिफिकेशंस भी आउट नहीं हुआ, और जब नोटिफिकेशंस भी आउट नहीं हुआ तो ऐसा कोई भी एग्जाम आज तक नहीं हुआ है कि सिर्फ आज नोटिफिकेशंस निकल गया और एक मंथ बाद आपका एग्जाम हो जाए। क्लियर है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं सर कि एग्जाम कब होगा और इसका नोटिफिकेशंस कब आएगा, तो आप फिलहाल अभी एग्जाम इसका जून मंथ में, तो इतना तो श्योर है कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऑलरेडी यहां पर एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर दिया है। बट जो आपका नजरिया होना चाहिए पढ़ने का, वो आपका यही रहना चाहिए कि आप जून मंथ के ही हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपने जो पहले से ही टारगेट बनाया था वो जून मंथ का ही टारगेट बनाया था। और यहाँ पे जो हमने आपको प्लान दिया है, जिसमें हम सिलेक्शन बैच कवर कर रहे हैं आपका और अभ्यास बैच कवर कर रहे हैं, जहां पर आपका एमसीक्यू बेस्ड और फुल सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप उसी को बिल्कुल कवर कीजिएगा, ताकि आप जून मंथ तक अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम डेट डिले हो जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आपके लिए क्या होगा कि आप और ज्यादा मेहनत करोगे डियर। बट आप अभी ऐसा मत सोचिएगा कि सर एग्जाम डेट डिले होगी, नोटिफिकेशंस भी आउट नहीं हुआ, तो सर हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिएगा, और ये आप एक बात माइंड में रखिएगा कि जो आपका जेई का भी जो एग्जाम था, जो आपका 4, 5, 6 जून को होने वाला था, वो कहीं ना कहीं अब आपका पोस्टपोन हो सकता है। कितना पोस्टपोन हो सकता है? एक मंथ भी पोस्टपोन हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, और आपका 3 मंथ भी पोस्टपोन हो सकता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके होली सेलिब्रेशन की, जो अब आपका बीत गया है, आप सभी ने होली का सेलिब्रेशन किया होगा, और जिस दिन आपके होली का दहन हुआ होगा ना डियर, उस दिन आपने बहुत कुछ मांगा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए, और जो कार्य अभी तक आपके पूर्ण नहीं हुए थे, उन कार्यों के ऊपर आप आज से बिल्कुल लग भी गए होंगे, और बिल्कुल सही भी है यार। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यार सर हम इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज अपना टारगेट बना सकते हैं, क्या हम गेट एग्जाम अपना टारगेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग हर कोर्सेज पर होली फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आपको 10% तक की छूट दे रहा है। ये जो 10% तक की छूट है, ये आपके गेट के एमसीक्यू पे भी दे रहा है, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के एमसीक्यू पर भी दे रहा है, महापैक पे भी, और स्टेट के एजेई कोर्सेज पर भी दे रहा है गेयर। तो जल्दी कीजिएगा, जो ऑफर की जो लास्ट डेट है वो आज ही है, क्योंकि जो ऑफर आपको दिया जा रहा था वो आपका 22 से 26 तारीख तक दिया जा रहा था, तो ये ऑफर आज ही रहेगा आपके रात के 12 बजे तक। तो जल्दी कीजिएगा और जुड़िएगा ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ।